अधिकांश लोग यही जानते हैं कि एस्पिरिन एक जेनेरिक नेम है, लेकिन सच तो यह है कि एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का एक विश्व प्रसिद्ध ट्रेड नेम है। आइए जानते हैं यह ट्रेड नेम कैसे जेनेरिक नेम में बदल गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल नो द यूसेज, डोसेज, साइड इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की खोज एक दर्द निवारक दवाई के रूप में हुई थी, जो NSAID ग्रुप का फर्स्ट डिस्कवर्ड मेडिसिन भी है, और उस जमाने में पेन किलर के रूप में एस्पिरिन का उपयोग खूब हुआ करता था। 1982 में नोबेल प्राइज भी एस्पिरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की खोज के लिए ही दिया गया, लेकिन बाद में इनका एंटी प्लेटलेट गुण का पता लगा और आज के डेट में एस्पिरिन का उपयोग NSAID के तरह बहुत ही कम, जबकि एंटी प्लेटलेट के तरह बहुत ही ज्यादा होता है। अधिक सच तो यह है कि यदि एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट गुण का खोज न किया गया होता, तो आज मार्केट से एस्पिरिन ही लुप्त हो जाता, क्योंकि आज के डेट में एस्पिरिन से कहीं ज्यादा बेहतर कई NSAID ड्रग्स उपलब्ध है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एस्पिरिन का उपयोग NSAID के तौर पर केवल दो ही जगह होता है, पहला सिर दर्द में और दूसरा एक्यूट रियूमेटिक फीवर में। बाकी इनका उपयोग एंटी प्लेटलेट ड्रग के तौर पर ही होता है। एस्पिरिन के विभिन्न उपयोगों को जानने से पहले एस्पिरिन की नामांकन की एक छोटी सी रुचिकारक कहानी सुनाता हूं। सन 1899 में जर्मनी की बेयर नामक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एस्पिरिन का नामांकन तीन छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर किया, ए, अस्पर और इन। ए एसिटाइलेशन को दर्शाता है, अस्पर एक जर्मन शब्द अस्पर सोरी से लिया गया है जिसका अर्थ है सैलिसाइलिक एसिड, और इन एक सफिक्स है। इस तरह एसिटाइलेटेड सैलिसाइलिक एसिड को बेयर कंपनी ने एस्पिरिन का नाम दिया तथा इसी ट्रेड नेम से बेचना प्रारंभ किया। जल्द ही इनकी लोकप्रियता के कारण यह विश्व प्रसिद्ध ब्रांड नाम बन गया, लेकिन कालांतर में यही ट्रेड नेम बहुत सारे देशों में बिकता गया तथा बेयर का इस ट्रेडमार्क से अधिकार खत्म होता गया और अंततः एस्पिरिन एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड नाम से जेनेरिक नेम हो गया। एस्पिरिन का उपयोग चार विभिन्न औषधीय गुणों के तौर पर होता है। पहला, दर्द से राहत दिलाने के लिए, जैसे सिर दर्द में डिस्प्रिन या एनासिन टैबलेट का। दूसरा, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जैसे एक्यूट रूमेटिक फीवर में। तीसरा, एंटी प्लेटलेट यानी ब्लड थिनर के रूप में, अर्थात खून के थक्का को बनने से रोकने के लिए, जैसे हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट में प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर फ्यूचर में होने वाला इस्केमिक स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जो खून के थक्का के बनने के कारण होता हो, को रोकने के लिए, और हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला में। इस पर एक अलग ही वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चौथा, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में, जैसे कॉलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन में। इस तरह एस्पिरिन को चार विभिन्न प्रकार का औषधीय गुण है, फर्क बस डोज का है। अर्थात दर्द निवारक के लिए एस्पिरिन का डोज 325 से 350 मिलीग्राम, एंटी इंफ्लामेटरी के लिए शरीर के भार अनुसार, दैट इज 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट।
ब्लड थिनर के लिए लो डोज एस्पिरिन दैट इज 75 से 150 मिलीग्राम और एंटी कैंसर के लिए एस्पिरिन का डोज है 300 मिलीग्राम या उससे ज्यादा। अब अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि एस्पिरिन का शरीर पर कौन कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है। चूंकि एस्पिरिन एक कॉक्स इनहिबिटर है इसीलिए स्टोमेक में म्यूकस के निर्माण को रोकता है जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है और ब्लड थिनर होने के कारण एस्पिरिन को लंबे समय से लेने पर स्टोमेक इंटेस्टाइन तथा ब्रेन में ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। हायर डोज में एस्पिरिन का दुष्प्रभाव कानों पर भी पड़ता है जिसे मेडिकल भाषा में टिन्निटस कहते हैं जिसमें कानों में एक ध्वनि की गुंजाहट सुनाई पड़ती है। आगे जानेंगे कि एस्पिरिन के इन दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है बट व्यूअर्स के टाइमिंग का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो के भाग 2 को देखें।